ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं, कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे। इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। तो पुनः जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर संस्थान के माध्यम से परिवारों को एक छत के नीचे एकत्रित करके धर्म के जागरण और संरक्षण के लिए जो आपने काम किया, उसके लिए पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहती हूँ कि हर माँ की इच्छा होती है कि लाला उसके घर आए, लेकिन हर माँ को जब ये पता चलता है कि युद्ध की भूमि पर धर्म के संरक्षण के लिए लाला की जरूरत है, तो माँ कितना अपने तेज से अपने बालक को या बालिका को प्रोत्साहित करती है। आज प्रभु से हर माँ के लिए मैं वही बल, वही संबल, वही धैर्य मांगती हूँ। बालक हो या बालिका, भारत के नव निर्माण में युद्ध की भूमिका में नहीं, बल्कि शांति की भूमिका में आस्था के पथ पर चलते हुए माँ भारती की वो सेवा कर पाए, ऐसे हर परिवार के हर बालक और बालिका के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगती हूँ। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से सबसे आग्रह है कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि हम सब एकत्रित हुए हैं इस दिव्य दर्शन के माध्यम से। हम सब पुनः कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां तक नहीं गई आवाज भाई। पुनः सबसे आग्रह है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सब से पुनः आग्रह की जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की।